नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं खास खबरों की ओर। नियति का खेल देखिए, काल की निष्ठुरता भी और अंतिम समय मृत्यु की अटलता भी। समय कैसा भी हो, स्थितियां कैसी भी हो, इसका कोई अर्थ नहीं। सांस की गिनती तो पहले ही तय होती है। कलेजे को कपा देने वाली एक घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव में देखने को मिली। वहां एक बेटे को मुखाग्नि देकर लौटे पिता ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि थोड़ी देर बाद उन्हें दूसरे बेटे को भी कंधा देना पड़ेगा। अब दो जवान बेटों की मौत के बाद पिता सदमे में है और माँ बार बार बेहोश हो रही है। कोरोना वायरस ने दोनों जवान बेटों की जान ले ली। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव में यह घटना हुई। वहां रहने वाले निवासी अजय सिंह के बेटे पंकज की अचानक से बुखार आया और मौत हो गई। बेटे को मुखाग्नि देकर घर पहुंचे ही थे कि दूसरे बेटे दीपक ने भी दम तोड़ दिया। वहां गांव वालों ने बताया कि पिछले 10 से 15 दिनों में गांव में 6 महिलाओं समेत 20 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 28 अप्रैल को यह मौत का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब तक जारी है। जलालपुर गांव निवासी रविंद्र भाटी ने बताया कि उनके रिश्तेदार ऋषि रागर का भी अचानक देहांत हो गया था। उसी दिन उनके बेटे का भी देहांत हो गया। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत घरों में ही हुई है। गांव वालों के मुताबिक सभी को पहले बुखार आया और ऑक्सीजन लेवल घटता चला गया। लगातार गांव में हो रही मौतों से गांव वाले दहशत में हैं। उनका कहना है कि गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसमें मरीज की चारपाई ना भिजी हो। कोरोना वायरस के कारण गांव में हर कोई खौफ और डरा सहमा हुआ है, जिसके चलते जिस गांव में हमेशा चहलकदमी हुआ करती थी, आज उस गांव की सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। आलम यह है कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ गांव में लगातार हो रही मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसके चलते गांव के लोग इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं। मगर प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी व स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में निरीक्षण करने या फिर ग्रामीणों की पीड़ा सुनने के लिए नहीं आया है। जलालपुर निवासी बुजुर्ग सरोज का कहना है कि वह गांव की मुख्य सड़क पर खाट बिछाए इस आस में बैठी रहती हैं कि कभी तो भगवान का दूत बनकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर आएगा और गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों को उपचार दिलवाएगा और गांव में फैले डर के माहौल को समाप्त करेगा। लेकिन जिस आस व विश्वास के साथ वह रोज जिला प्रशासन के आने का इंतजार करती हैं, वह आस और विश्वास भी अब टूटता जा रहा है। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? मेरी बहन को ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था, तो इसी वजह से फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उनका और काशीराम में लेके गए थे, शारदा में लेके गए थे, वहाँ पे वेंटिलेटर की प्रॉब्लम बता के उनको एडमिट नहीं किया गया। तो ऑक्सीजन भी नहीं उपलब्ध कराई गई क्या? ऑक्सीजन हमने पर्सनल खुद कराई थी, मगर वहाँ से हॉस्पिटल से कोई नहीं मिला। जब आप हॉस्पिटल लेके गए थे तो डॉक्टर ने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई, प्रशासन ने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई? नहीं, वहाँ पे हमारे पास था तो उन्होंने काशीराम में थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन लगाई थी, फिर बोला कि यहाँ से अगर कहीं और लेके जाना है तो अब आप एम्बुलेंस बुला लो और वहाँ से लेकर। क्यों? मैं गाँव तक जलालपुर है, नाम सरोज। मैं इस गाँव में कोरोना से कितनी मौत होगी भैया? कैसे बात, 28 मौत होगी। हाँ। पता चली है कि एक ही परिवार के दो बेटा भी चले गए थे। हाँ बेटा। कौन है वो बच्चे? इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव। क्या नाम है उनका? बड़े की पता दीपक है। अच्छा। हाँ, छोटे की पता। एक ही दिन हुई थी दोनों की मौत? दोनों की एक दिन। क्या हुआ था बच्चों को? ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या क्या नाम थे दोनों के, क्या एज थी? दीपक था ये, पंकज जी। आप अस्पताल लेके गए होंगे बच्चों को? हाँ, हॉस्पिटल लेके गए जी। बताया जा रहा है कि जलालपुर गांव में दो दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। कितने दिनों में ये मौतें हुई हैं और कारण क्या है? लास्ट पिछले 10 दिन में कोरोना से संक्रमण के कारण ये मौतें हुई हैं और इलाज ना मिलने की वजह से। सबसे हाईटेक जिला है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला, सबसे साक्षर जिला है और यहाँ पर तीन बड़े बड़े प्राधिकरण हैं जिनका करोड़ों रुपए का बजट है और इतना बजट है जो कई स्टेटों के वार्षिक बजट के बराबर है। लेकिन यहाँ के जो मौतें हो रही हैं, अकेले जलालपुर की बात नहीं, दुजाना की बात की जाए 17 मौतें, छपरौला की बात की जाए 50 मौतें, सादुल्लापुर की बात की जाए, जलालपुर की, मिलकलच्छी की, तुष्याने की, खैरपुर की 25 मौतें, साबेरी में पिछले 10 दिन में 30 मौतें। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें टाइम 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।